हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर स्टडी में। आज हम बात करेंगे गेहूं की बुवाई के समय कौन सा खाद वह कितनी मात्रा में डालनी चाहिए। किसान भाइयों, वीडियो को पूरा देखें, तभी आप एक सही और अच्छी जानकारी ले पाएंगे। यदि जानकारी अच्छी लगे तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, गेहूँ की फसल की बुवाई करते समय कौन सा खाद वह कितनी मात्रा में डालें। किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गेहूं की जब हम बुआई करते हैं, बुआई करते समय जो खाद हम डालते हैं, उन खादों का बहुत बड़ा महत्व हमारी गेहूं की फसल के लिए रहता है। क्योंकि बुआई के समय जो खाद डाले जाते हैं उनकी मात्रा यदि कम रह जाए या फिर जो सही खाद वह हम ना डाल पाएं, तो हमारी गेहूं का जो उत्पादन होता है वह कहीं ना कहीं कम हो जाता है और हम एक अच्छा उत्पादन गेहूं की फसल से नहीं निकाल पाते हैं। इसलिए किसान भाइयों, गेहूं की बुआई के समय आपको कुछ बातों का बहुत विशेष ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपको खाद लेना है, कौन सा खाद लेना है, कितनी मात्रा में डालना है। अपनी गेहूं के खेत की जो आप जुताई कर रहे हैं, बोने से पहले जो आप अपने खेत को तैयार कर रहे हैं, किस तरीके से तैयार कर रहे हैं, और भी दो तीन बातें हैं जिनके बारे में बताने वाला हूं। वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जो भी गेहूं के लिए बीज लेना है वह बीज नया लें, कोई भी बीज पुराना ना लें। पुराने का मतलब यह है कि जो घर पर बीज रखा हुआ है उस बीज को आप ना लें, उस बीज से बचें, क्योंकि उसके अंदर कम से कम 10-20% दाने ऐसे हो जाते हैं जो जम नहीं पाते हैं और उनका अंकुरण नहीं होता है, जिससे जमाव कम होगा और हमारा जो उत्पादन है वह भी कम निकलेगा। दूसरा, किसान भाइयों, जो भी बीज आप ले रहे हैं उस बीज का आपको बीज उपचार जरूर करना है। बीज उपचार किए बिना आप कोई भी मतलब किस्म गेहूं की उसकी बुआई ना करें, क्योंकि किसान भाई बीज उपचार यदि आप कर लेते हैं तो आपके गेहूं के अंदर ना ही तो कोई फंगीसाइड लगेगा ना ही कोई इंसेक्टिसाइड लगेगा। फंगस के लिए भी बीज उपचार करना चाहिए और इंसेक्टिसाइड के लिए भी बीज उपचार करना चाहिए। यदि मैं फंगीसाइड के लिए बात करूं तो किसान भाइयों, आप टेरोकोनाजोल 5% 2DS में ले सकते हैं, जिसकी मात्रा 2 ग्राम प्रति 1 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त है। दूसरा, किसान भाइयों, इंसेक्टिसाइड के बारे में यदि मैं बात करूं तो इंसेक्टिसाइड से भी आपको अपने गेहूं के बीज का उपचार करना चाहिए। इसके लिए किसान भाइयों, आप क्लोरोपाइरीफास 20% ईसी फॉर्म में ले सकते हैं, जिसकी मात्रा किसान भाइयों 250 ml से लेकर 300 ml तक आप ले सकते हैं एक एकड़ खेत के बीज के लिए। तो किसान भाइयों, फंगीसाइड से भी आपको बीज उपचार करना है और इंसेक्टिसाइड से भी बीज उपचार करना है। उसके बाद किसान भाइयों, आपको अपने खेत की बहुत ही अच्छी तरीके से गहरी जुताई करवानी, कम से कम 2 से 3 जुताइयां किसान भाइयों आप गहरी करवाएं, और उसके साथ साथ आपको काफी बारीक मिट्टी अपने खेत की करवानी है कि रूटावेटर से लास्ट जुताई आपकी होनी चाहिए, क्योंकि यदि मिट्टी मोटी रह जाती है, ढीले बने रहते हैं, तो उसके अंदर हमारे बीज को जो है हवा लग जाती है, जिससे वह अंकुरण नहीं हो पाता और हमारा जमाव कम होता है। इतनी बातें देखने के बाद किसान भाइयों, बात आती है कि खाद कौन सा डालना है और कितनी मात्रा में डालना है। अब करते हैं इसके बारे में बात। तो किसान भाइयों, यदि आप एनपीके 12, 32, 16 से अपने गेहूं की बुआई कर रहे हैं, तो उसके लिए किसान भाइयों आपको लगभग 50 किलोग्राम एनपीके की मात्रा लेनी होती है। इसके साथ साथ किसान भाइयों, आपको सल्फर की मात्रा इसके अंदर जरूर ऐड करनी है। सल्फर की मात्रा आप 4 से लेकर 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं, और किसान भाइयों इन दोनों को मिक्स करके आप अपनी गेहूं की बोनी कर सकते हैं। कुछ किसान भाई जो है वह सिंगल सुपर फास्फेट की मदद से गेहूं की बुआई करते हैं, तो उनके लिए मैं आपको बता देता हूं कि किसान भाइयों, आपको लगभग 120 से लेकर 150 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट की मात्रा चाहिए। इसके साथ साथ किसान भाइयों, आप लगभग 25 किलोग्राम यूरिया की मात्रा ले सकते हैं, और इसके साथ 25 किलोग्राम आपको पोटास की आवश्यकता भी पड़ती है, और साथ में आप सल्फर की मात्रा इसके अंदर भी जरूर ऐड करेंगे, 3 से लगभग 1.5 से लेकर 2 किलोग्राम। इससे ज्यादा मात्रा आप इसमें सल्फर की ना ले, 1.5 से 2 किलोग्राम सल्फर इसके अंदर ले लें, और इन्हें मिक्स करके आप अपने खेत के अंदर आराम के साथ गेहूं की बुआई कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, कुछ किसान भाइयों डीएपी की मदद से भी गेहूं की बुआई करते हैं, उनके लिए मैं आपको बता दूं कि 50 किलोग्राम आपको डीएपी की मात्रा लेनी है। इसके साथ साथ आप 25 किलोग्राम पोटास भी लेंगे इसके अंदर, और किसान भाइयों लगभग 4 से लेकर 5 किलोग्राम सल्फर की मात्रा भी आपको इसके अंदर ऐड करनी होगी, और इस तरीके से इन तीनों को आप मिक्स करके अच्छे से अपने गेहूं की बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, कुछ किसान भाई गेहूं का बिखराव करते हैं, कुछ किसान भाई मशीन के द्वारा बुआई करते हैं। तो किसान भाई दोनों ही तरीके ठीक है, लेकिन ज्यादा अच्छे तरीके यदि मैं बात करूं तो आपको गेहूं की जो बुआई है वह मशीन के द्वारा करवानी चाहिए, क्योंकि यह एक सही और अच्छा तरीका है। यदि आप गेहूं की बुआई मशीन के द्वारा करवाते हैं तो ज्यादा ट्रिलिंग होती है, ज्यादा अच्छे तरीके से कल्ले निकलते हैं, और हमारी गेहूं की फसल को बीच बीच में हल्की हवा भी निकलती रहती है, जिससे ज्यादा उत्पादन हमारी गेहूं की फसल का निकल करके आ जाता है। उम्मीद है किसान भाइयों आपको मेरी वीडियो काफी पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और हो सके अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।